यादव को बनाया गया है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव के नाम पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी है। इससे पहले आपको बता दें कि वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी विधायक दल की बैठक से पहले, और कल राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक है। कल चुना जाएगा प्रदेश का नया मुख्यमंत्री। शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। दोपहर 1:30 बजे सभी विधायकों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। राजस्थान को लेकर के अहम जानकारी दे रहे हैं राजनाथ सिंह। सरोज पांडे और विनोद तावड़े की मौजूदगी में बैठक होगी। राजस्थान को पर्यवेक्षक तो मिल चुके हैं, पर्यवेक्षक मिलने के बाद अब इंतजार है सीएम के चेहरे पर बना सस्पेंस के खुलने का और राजस्थान को नया मुखिया मिलने का। हालांकि देखिए चर्चा हो रही है, कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से फैसले लिए हैं, इस साल 5 चुनावी राज्य में 3 में जब बीजेपी को सत्ता हासिल हुई, राजस्थान में कांग्रेस की रवानगी और बीजेपी ने सत्ता में एंट्री ली, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की रवानगी बीजेपी ने एंट्री ली, मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से ही सत्ता में थी तो वहां सरकार रिपीट हुई है। अब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाना था, लेकिन 2 राज्यों के मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका है। जो नाम सामने निकल कर आए वो चौंकाने वाले थे, यानी कि ज्यादा चर्चाओं में भी नहीं थे। ऐसे नाम थे जिनका ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा था और बीजेपी ने फैसले लेकर के चौंकाया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या लगता है राजस्थान को लेकर के, संभवतः अब कल फैसला हो जाएगा, बैठक तय हुई है, किस चेहरे पर बीजेपी मुहर लगा करके चौंका सकती है और क्या जानकारी, कल किस तरह से बैठक का आयोजन होगा? देखिए शिखा, कुछ बातें तो बहुत साफ हो चुकी है जिनको लेकर हम बात कर सकते हैं, खासतौर से एमपी और छत्तीसगढ़ में जिस तरह वहाँ पर फैसले हुए हैं कि विधायक दल के बीच से मुख्यमंत्री सामने आ सकता है, इस तरह की चर्चाओं को बल मिला है। क्योंकि अभी दोनों जगह पर ही विधायक दल के बीच से ही विधायक को ही मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है, तो ऐसे में राजस्थान में भी इस बात की यही चर्चा है। और दूसरी बड़ी चर्चा इस बात को बल मिल रहा है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में ओबीसी कार्ड खेला है मोहन यादव को बनाकर, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को बनाकर ट्राइबल कार्ड खेला है, तो राजस्थान में जनरल या फिर शेड्यूल कास्ट से कोई चेहरा सामने आ सकता है, इस तरह की चर्चा है बीजेपी कार्यालय में है। हालांकि कल को लेकर तैयारी बीजेपी में बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, किस तरह से वहाँ विधायक दल की बैठक होगी, तमाम तैयारियाँ हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचेंगे, उनके साथ जो सह पर्यवेक्षक वो भी आएंगे, और पूरा बीजेपी कार्यालय इस समय सजा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कल हम जो इंतज़ार कर रहे थे काउंट डाउन जो कहा जा सकता है, वो काउंट डाउन कल ख़त्म हो जाएगा, और हमारे कैमरा जर्नलिस्ट है तीरथ, वो आपको दिखा रहे हैं किस तरह की सजावट इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर नज़र आ रही है। और एक गहमा गहमी है, एक उहापोह जरूर है कि कौन मुख्यमंत्री, पहले छोड़ देते हैं फिर उसके बाद करते हैं, आइए भाई साहब उनके बीच में एक चर्चा है। कार्यकर्ता आधारित कोई भी व्यक्ति सीएम हो सकता है, विचार परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सीएम हो सकता है, और ख़ास तौर से विधायक दल के बीच में कई ऐसे सीनियर नाम हैं जो अब पहले जिनको रेस में नहीं माना जा रहा था, उनकी चर्चाएं अब कार्यकर्ताओं के मुख से उनके जहन से सुनने में आ रही हैं, वो इस तरह के नाम आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम की चर्चा है, हालांकि वो विधायक नहीं है लेकिन सांसद हैं। दूसरा नाम जो आ रहा है वो दिया कुमारी का सामने आ रहा है, जो दूसरी बार विधायक बनी है और एक बार सांसद रह चुकी है, तो ये नाम राजपूत वर्ग से है, जनरल वर्ग से है, दलित वर्ग से अनीता बधेल का नाम आ रहा है, जो अजमेर दक्षिण से विधायक हैं और लगातार वो चौथी बार विधायक बनी है। और इसी तरह से एक नाम और सामने आ रहा है जो ख़ास तौर से यूँ कहा जा सकता है कि मदन दिलावर जो हार्डकोर लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं बीजेपी के अंदर, हिंदुत्ववादी चेहरा है, हाड़ोती से आते हैं, उनके नामों की चर्चा है। और वासुदेव देवनानी, वो भी अजमेर उत्तर से आते हैं, उनके नाम की भी यहाँ सरगर्मियाँ, उनके नाम को लेकर चर्चा है।
मेवाड़ से आने वाले श्रीचंद कृपलानी के नाम की बड़ी चर्चा यहाँ पर सुनाई दे रही, जो पिछली सरकार में यूडीएस मंत्री थे, और एक नाम राजपूत वर्ग से। विधायक दल की बैठक है और कल नाम साफ हो जाएगा। ऐसे में सीपी जोशी ने एक बात भी कही थी इसे लेकर। उन्होंने कहा था कि अधिक दावेदार होना भी गलत नहीं है, क्योंकि पार्टी में कई योग्य लोग हैं, लेकिन इन सभी योग्य लोगों के बीच बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व या कहे पर्यवेक्षक किन नामों पर मुहर लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं, फैसला फिर चौंकाएगा। शिका, वाकई में ये यक्ष प्रश्न है जो गूंज रहा है जयपुर से लेकर दिल्ली तक, पूरे राजस्थान में गूंज रहा है। कौन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा फेस होगा जो राजस्थान का भविष्य का मुख्यमंत्री होगा, राजस्थान की कमान संभालेगा, कौन पहनेगा आखिर वो ताज जो राजस्थान के मुख्यमंत्री का ताज होगा, आठ सी विलाइंस में कौन रहने वाला है, तमाम बातें हैं। और जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमें मुख्यमंत्री के परिणाम हमारे सामने हैं जो बीजेपी दे चुकी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी तक दोनों ही जगह पे महिला फेस नहीं आया है। और राजस्थान में अगर महिला फेस की बात करें तो सबसे सशक्त नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है, जो दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि क्या उन्हें आगे लाया जाएगा या कोई अन्य महिला फेस सामने होगा। तो ये तमाम तरह की चर्चाएं इस वक्त राजधानी जयपुर के अंदर बीजेपी का जो ऑफिस है इसके गलियारों में गूंज रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर जो वातावरण है, सरगर्मियाँ हैं वो नज़र आ रही है। आपस की बातचीत में केवल एक ही चीज़ सामने आ रही है कि आखिर कौन राजस्थान में नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संभालेगा। डिप्टी सीएम को लेकर भी कई तरह की जो बातें हैं वो चर्चाओं में आई हैं, और अभी तक कहा जा सकता है कि कोई भी फैसला जिस तरह का होना था वो सामने आने से पहले ये कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा है। तैयारियां चारों तरफ कही जा सकती है बड़ी अहम है, और तमाम जो तैयारियां हैं, ये कहा जा रहा है शपथ ग्रहण जो होगा वो जनपद पर होगा, विधानसभा के ठीक सामने जो सड़क है जिसको जनपद कहा जाता है वहाँ बड़ा शपथ ग्रहण, भव्य शपथ ग्रहण होगा, तमाम बड़े लीडर्स वहाँ पर रहेंगे और तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी के बीच में शिखा व शपथ ग्रहण होगा। लेकिन सवाल वहीं आकर ठहर जाता है कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। तो अब से कुछ घंटों बाद जब राजनाथ सिंह यहाँ आएंगे और कल जब दोपहर बाद बीजेपी मुख्यालय में तमाम विधायक अपनी राय रखेंगे और पर्यवेक्षक वहाँ पर, मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ सुनने के बजाय जो दिल्ली से आया हुआ फैसला है उसको सुना दिया जाएगा कि कौन आपके बीच में से मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे और कौन विधानसभा का अध्यक्ष होगा। तो ये तमाम जो चार बड़े पद हैं, एक उप मुख्यमंत्री का जो फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में ईजाद किया गया वो मध्य प्रदेश में लागू किया गया, वो फॉर्मूला अब राजस्थान में भी दिखेगा। तो कास्ट इक्वेशन होगी, कहा जा रहा है कि राजस्थान में एक एसटी समुदाय से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो सकता है, अगर जनरल कास्ट से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना तो एक जनरल कास्ट से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, और अगर एससी से कोई मुख्यमंत्री बना तो कोई जनरल कास्ट का होगा, और ऐसा नहीं हो पाता तो कोई जनरल कास्ट का उप मुख्यमंत्री राजस्थान में होगा, और एक ट्राइबल से उप मुख्यमंत्री सामने आ सकता है, और विधानसभा अध्यक्ष भी अब बड़ा चेहरा होगा, ये तय बात है। कोई ऐसा बड़ा चेहरा जिसको लेकर हम सोच नहीं सकते ऐसा नाम वहाँ दिया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष के लिए फाइनल हुआ था, उस वक्त भी ये सबको लगा था कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो रह चुके उनको अब विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, तो ठीक इसी तरह का कोई नाम, मुझे लगता है पूरा एक खाका अगले चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने रणनीतिक तौर पर तैयार कर लिया, एक डिज़ाइन तैयार कर लिया कि किस तरह से जहाँ जो सीनियर लीडर है उनको क्या काम में लेना है, किस तरह से नए चेहरों को लाना है, सेकंड और थर्ड लाइन के नेताओं को किस तरह से आगे लाकर पद दिए जाना है। तो जिस तरह का मंत्री मुख्यमंत्री का फेस होगा, उप मुख्यमंत्रियों का फेस होगा, मुझे लगता है मंत्री परिषद भी ठीक उसी तरह की होगी। नए पहली बार जीते हुए विधायकों में से कई योग्य चेहरों को मंत्री का पद मिलेगा, और क्रेडिबिलिटी, निष्ठाएँ, पार्टी के प्रति वफादारी, विद्यार्थी परिषद हो चाहे संघ परिवार के अन्य जो प्रकल्प हो उनसे उनका लगाव, जुड़ाव, और वहाँ से वो शिक्षित और दीक्षित अगर है तो उनको ज़्यादा प्रमुखता के साथ मंत्री परिषद या अन्य बड़े पदों पर तरजीह दी जाएगी।
ये ज़रूर है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी बीजेपी कही जाती है, तो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में देखने को मिलेगा। जी योगेश जी, ये एंगल आप बहुत अच्छा लेकर आए, क्योंकि आपने कहा कि अब तक दो नामों के ऐलान हो चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, और महिला चेहरे की आपने बात की। योगेश जी, अगर इसी तरह से हम देखें, अगर बीजेपी ने जब तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी, तो फिर वहां भी दो पुरुष थे और एक महिला थी। अगर हम छत्तीसगढ़ को छोड़ देते हैं, तो MP में भी कुछ इसी तरह से समीकरण बैठाए गए थे। यहाँ नाम दिखा दिया था आशा लाकड़ा का, और अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ सरोज पांडे का नाम सामने उभर कर आया। तो इस एंगल पर हम चाहेंगे कि आप चर्चा कीजिएगा। लेकिन योगेश जी, महिला चेहरे को आगे लाने की बात है, लेकिन उसी तरह बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक समीकरणों को कैसे साधेगा, क्योंकि समीकरण देखते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी। देखिए, मेरा मानना है कि लोकसभा का चुनाव एक अपने आप में 25 सीटें बीजेपी ने जीती, 24 सीटें जीती, एक RLP को गठबंधन में दी थी, हनुमान बेनीवाल वहाँ से सांसद बने थे, तो 25 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और गठबंधन ने जीती थी। कांग्रेस को एक भी सीटें मिली थी, नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस कहीं कमज़ोर थी। सरकार में आने के बावजूद कांग्रेस ने गलत टिकट वितरण किया, चाहे टोंक सवाईमाधोपुर का टिकट हो, चाहे करौली धौलपुर का टिकट हो, चाहे नागौर के इलाके से टिकट दिया हो, चाहे और जो इलाके हैं बाड़मेर जैसलमेर के टिकट हो, तो जहाँ गलत टिकट वितरण हुए वहाँ पर बीजेपी को आसानी से वो चुनाव जीतने का अवसर मिला। लेकिन चाहे दौसा में बीजेपी का जो सांसद था बहुत कम वोटों से जीता, टोंक सवाईमाधोपुर, करौली धौलपुर में भी, खासतौर से करौली धौलपुर में भी कम अंतर जीता। तो अब की बार जो रिजल्ट्स आए हैं, कांग्रेस के जो विधायक है वो अच्छी खासी संख्या में जीत कर आए हैं। एक मजबूत विपक्ष है, और ख़ासतौर से शेखावाटी का इलाका, ख़ासतौर से पूर्वी राजस्थान का इलाका, ख़ासतौर से आपका दक्षिणी राजस्थान का इलाका, तो ये आसान नहीं है फाइट लोकसभा चुनाव। इसलिए मुख्यमंत्री किस तरह का होना चाहिए, किस फेस का होना चाहिए, मुझे नहीं पता। छत्तीसगढ़ की क्या इक्वेशंस हो सकती है, मध्य प्रदेश की क्या इक्वेशंस हो सकती है, लेकिन राजस्थान की इक्वेशंस हर 30 किलोमीटर बाद बदलती है। आप जयपुर शहर के रिजल्ट्स देख लें तो आपको लगेगा कि दो BJP के जीत रहे हेरिटेज में, दो कांग्रेस के जीत रहे, एक बीजेपी का जीत रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लहर, बहुत बड़ी लहर बीजेपी की एक तरफा चल रही थी। अगर ऐसा होता देखो तो 60 बीजेपी की सीटें सामने आती, और सरकार बनी है तो यहाँ बीजेपी की टिकट चयन में गलतियाँ थी, तो यहाँ पर भी सीटें कम रही। वहीं कांग्रेस के भी आपस के झगड़े टिकट चयन में, वहाँ भी विसंगतियाँ थी, तो वहाँ पर भी कम रही। तो मुझे ये लगता है कि इसीलिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी को राजस्थान में बहुत सोच समझ के करनी होगी। और यही कारण है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ का निर्णय हुआ, फिर मध्य प्रदेश का निर्णय हुआ, और सबसे आखिर में राजस्थान का निर्णय होगा, क्योंकि आलाकमान को पता है कि राजस्थान में पग पग पर राजनीति होती है। यहाँ बीजेपी के अंदर भी आंतरिक राजनीति जो है, आप कहे जा सकते हैं कि अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ पर आज भी कि जो राजनीतिक एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों से दिख रही थी, वो अपने आप में बीजेपी के आलाकमान को भली भांति पता है। ऐसे में बहुत सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता यहाँ बीजेपी को देनी होगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, बीजेपी विधायक दल के बीच से ही, विधायकों के अंदर से ही मुझे लगता है फैसले होंगे, और एक मजबूत यहाँ पर नेतृत्व देने का प्रयास बीजेपी का हाईकमान को करना होगा। क्योंकि आगे एक एक सीट जब आपके लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वहाँ पर कोई भी एक गलत निर्णय, बिल्कुल योगेश जी, और नेता अपने अपने स्तर पर पार्टी नेतृत्व तक संदेश पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है कि आखिरकार उनके दिल में कौन है, मन में कौन है, और किस पर भरोसा होगा।